हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एकदम, और आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन VET VREET परीक्षा हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिया है GGU ने। थोड़ा लेट हो गया उसके लिए सॉरी। परीक्षा तिथि 30 सितंबर एवं 1 अक्टूबर को होने वाला है। आगामी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। रोल लिस्ट की घोषणा करेगा 25 तारीख को। प्रवेश पत्र आप लोग 25 से 30 डाउनलोड कर सकते हैं। बताऊंगा मैं कैसे करना है। मॉक टेस्ट की तिथियाँ 27 से 28, ये मैंने बता दिया है कि मॉक टेस्ट आप लोग कैसे दे सकते हो। तो 27 तारीख को आप लोग लॉगिन करना है। जो मैंने वीडियो में बताया है कि मॉक टेस्ट कैसे देंगे, तो उसके लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा तिथि 30 और 1 तारीख को है। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ नंबर में जो कहा गया है उसको मैं सीधे सीधे आप लोग को सिंपल वर्ड में बताऊंगा। फिफ्थ नंबर में ये कहा गया है यार कि अगर आप लोगों को कोई, जैसे कि आय प्रमाण पत्र बहुत लोगों ने नहीं डाला होगा अपने अप्लाई करते टाइम, तो वो डाल सकते हैं। आप लोग के माता का नाम, पिता का नाम, या जो भी यहाँ दिया गया है पता वगैरह, वो आप लोग को संशोधित करना है। देन आप लोग 2 से 6 अक्टूबर तक आप लोग क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था यार आप लोग को कि आप लोग जो है बाद में करेक्शन करने का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि मैं खुद गुजर चुका हूँ यार GGU वगैरह के एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करने का, तो मुझे पता है कि डेट देता है करेक्शन करने का। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को करेक्शन करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ओके, परिणाम की घोषणा 6 तारीख को की जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं। आप लोग अच्छे से एग्जाम दोगे तो आप लोग का रिजल्ट कभी भी आए अच्छा आएगा। फिफ्थ नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे पहले के पॉइंट एक पॉइंट अच्छा है, मॉक टेस्ट दें। ठीक है ना, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। जिन स्टूडेंट्स ने आज तक कभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं दिया है, वो उन लोग को देना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। पांचवा पॉइंट आप लोग को दिया है, जैसे ही उम्मीदवार परीक्षा है तो लॉगिन करेगा, उसे स्क्रीन पर टेस्ट दिखाई देगी। उम्मीदवारों के लिए कैमरे का सत्यापन होते ही वे विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर टेस्ट प्रारंभ कर सकेंगे। अब ये कैमरे का सत्यापन कैसे होगा, इसके लिए मैंने वीडियो बना दी थी सुबह, और अभी भी मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें बताया हूँ कि कैमरा कैसे ऑन होगा आप लोग का, कैसे वेरीफाई होगा। ठीक है, तो उसको देख लेना यार, बहुत ज़रूरी है। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। कितने मिनट दिए जाएंगे, 120 मिनट। तो ठीक है, इस अवधि में प्रश्नों के उत्तर देना, टेस्ट का नेविगेशन एवं फोटो का सत्यापन भी शामिल है। ठीक है, 120 मिनट दिए जाएंगे, मैं कब से आप लोग को बता रहा हूँ। इसके बाद उम्मीदवार को इस तरह बैठना है कि उसका चेहरा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल के कैमरे में साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, जैसे कि पहले न्यूज़पेपर वगैरह में मैंने वीडियो बनाया था, उसके ऊपर बताया था मैंने आप लोगों को कि 10 से ज़्यादा बार अगर आप लोग का नेविगेट होता है, आप लोग का फेस आप लोग का दिखाई नहीं देता है, देन आप लोग को रद्द कर दिया जाएगा, आप लोग का परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। इसी पॉइंट में एक बात और कही गई है, जहाँ पे आप लोग को बैठना है वहाँ पे पर्याप्त रोशनी वाला क्या होना चाहिए, कमरा होना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति उस कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप लोग का जो भी लैपटॉप या PC होगा या मोबाइल होगा, तो उसमें केवल एक चेहरा डिटेक्ट होना चाहिए। दूसरा चेहरा डिटेक्ट हुआ, उसी वक्त आप लोगों का जो मॉक टेस्ट है, सॉरी आप लोग का जो मेन एग्जामिनेशन है, वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अहमियत समझ में आ रही होगी इस गाइडलाइन की। अगला पॉइंट क्या कहा गया है, परीक्षा के दौरान पूरे समय तक लैपटॉप के वेबकैम एवं मोबाइल के सामने स्थित कैमरे से उम्मीदवार की गतिविधियों की निगरानी रखी जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग कुछ ऐसा वैसा करते पाया गया, ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप लोग, चीटिंग वगैरह करते पाया गया, देन वो रिकॉर्डेड वीडियो देखी जाएगी। एंड उसके बाद आप लोग का अगर उस टाइम पे डिटेक्ट नहीं हो पाएगा जिस टाइम पे आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, तो बाद में आप लोग का सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट में कहा गया है, तो आप लोग को सावधानी से अपना एग्ज़ाम देना है। ठीक है, कुछ भी करो आप, मुझे इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है या कुछ नहीं है, आप लोग को जो करना है करो। मैं तो बस बता सकता हूँ आप लोग को कि आप लोग को गलत काम नहीं करना है, आप लोग को गाइडलाइंस के अनुरूप कार्य करना है। ठीक है, इसके बाद जो नौवा नंबर है वो कहता है कि यदि उम्मीदवार किसी दूसरे से बात करना, स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करे, अपना स्थान छोड़े या संदिग्ध कृत्य में संलिप्त पाया गया, तो ऑनलाइन वीक्षक उसकी परीक्षा तत्काल रोक सकता है या रद्द कर सकता है। ये ऑनलाइन वीक्षक को क्या होगी, पावर होगी, आप लोगों का तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, टेस्ट के दौरान किसी भी ब्रेक या टॉयलेट जाने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि वे चाहे तो परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अपने साथ पानी रख सकते हैं। पानी एक इसेंशियल चीज़ है, इसलिए इसके मना नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर किसी को प्यास लग रही है तो पानी की जरूरत होगी ना भाई। ओके, तो आप लोग एक बोतल लेके रखेंगे, उस बोतल पे आप लोग पानी भर के अच्छे से रखेंगे, और परीक्षा के दौरान हिसाब से पिएगा, क्योंकि टॉयलेट भी आ सकता है। सो इसीलिए आप लोगों को जो है अपने अनुसार, आप लोगों को अगर आप लोग जो है एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उससे 10 मिनट पहले आप लोग बाथरूम होके आ जाओ, उसके बाद आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम देने के लिए बैठो। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। दसवां नंबर क्या कहता है, इलेवन नंबर, ऑनलाइन परीक्षा के लिए न्यूनतम आवश्यक उपकरण सामग्री ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने के लिए अ से स तक उल्लेखित है। आप लोगों को कौन कौन से सामान लेने हैं उस टाइम पे, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, ब्राउज़र। कंप्यूटर में गूगल क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल होना आवश्यक है, किसी अन्य ब्राउज़र में टेस्ट देना दे पाना संभव नहीं है। अगर आप लोग केवल गूगल पे जाते हो, देन वो सफिशिएंट नहीं है, आप लोग जानते हो गूगल क्रोम होता है। ठीक है, गूगल क्रोम पे आप लोग को जाना है।
उसके बाद आप लोग सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या बेसिकली सभी मोबाइल फ़ोन्स में तो आप आजकल होता है यार, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, 8 या 10 एंड्रॉयड, एप्पल रैम एंड प्रोसेसर 4GB रैम, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। 2.2 GHz है इसके समतुल्य अधिक, तो ये सब की उतनी, ये सब बकवास है, ये सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग के पास सिंपली क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए यार, ठीक है, और अदर आप लोगों को एक्टिविटी नहीं करनी है, इतना आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। निर्बाध विद्युत आपूर्ति करना है आप लोग को, अगर आप लोग PC पे दे रहे हो, लैपटॉप पे तो चलो ठीक है, चार्जिंग होता, चार्ज रहता है लैपटॉप। आप लोग अगर मान लो कंप्यूटर से दे रहे हो तो आप लोग का UPS इन्वर्टर तो होना ही चाहिए, ठीक है। न्यूनतम 2 MBPS का होना चाहिए, आप लोग देख सकते हो इंटरनेट की स्पीड है, ठीक है। तो एक अच्छे जगह पे भी जा सकते हो जहाँ पे इंटरनेट स्पीड अच्छी है, वहाँ पे जाकर आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग कमरे में ही देना है। ऐसा जगह जो कि खाली हो, वहाँ पे कोई ना हो, अच्छी रोशनी आ रही हो, आप लोग के पास सारी चीज़ें हों, बस इतना ही है। अब VET के लिए और VRET के लिए क्या करें क्या ना करें, उम्मीदवार पृथक कक्ष परिवेश में प्रवेश परीक्षा देगा, जैसे कि परिवेश है, ठीक है। तो परिवेश का मतलब है आप अपने प्राकृतिक स्थल पे, मतलब आप लोग देख सकते हो अपने घर के बाहर भी दे सकते हो, लेकिन कोई अदर व्यक्ति वहाँ पे नहीं होना चाहिए, मतलब आप एकांत में होने चाहिए, ऐसे जगह पर आप लोग दे सकते हो, ठीक है। उक्त स्थान में या लैपटॉप मोबाइल के पीछे समुचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं। उक्त स्थान में किसी प्रकार का शोर ना हो, ये सब भी रिपीट नहीं करूँगा मैं। आप लोगों का कोई अदर व्यक्ति नहीं होना चाहिए आपके पास, केवल निर्धारित समय में ही परीक्षा ली जाएगी, ठीक है, ये तो आप लोग को पता है। जैसे टाइम समाप्त होगा आप लोग का एग्ज़ाम भी ऑटो सबमिट हो जाएगा, जितना आप लोगों ने टिक किया है उतना ही आप लोग का आंसर शीट जाएगा। उम्मीदवार को परीक्षा से 30 मिनट पहले लॉग इन करना है, लेकिन मैं आप लोग को सलाह दूंगा अगर 1 घंटे पहले आप लोग को लॉगिन का ऑप्शन देता है तो 1 घंटे पहले आप लोग लॉगिन करके बैठ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 मिनट यहाँ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, 30 मिनट पहले भी आप लोग लॉगिन कर सकते हो। 6वां नंबर दिया है, परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को, ये बात मैं रिपीट नहीं करूँगा दोबारा। उम्मीदवार का पोशाक गरिमामय हो, मतलब क्या बोलूँ मैं इस बारे में, गरिमामय का मतलब ये होता है कि आप लोग अच्छे से कपड़े पहने हुए हो। यहाँ पे जो है, मैं समझ गए होंगे आप लोग, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। 8वां नंबर ये कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को किसी से बात नहीं करना है और ना ही जोर से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, जोर से नहीं पढ़ना है क्योंकि आपकी आवाज़ भी वहाँ पे जाएगी और दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्बेंस हो सकती है, ऐसा हो सकता है, पता नहीं सिस्टम कैसा है, मेरे को नहीं पता। आपात स्थिति या किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर विक्षक को संपर्क करना है। 10th नंबर बोलता है कि उम्मीदवार को हेडफोन्स, ईयरबड्स सुनने की किसी भी उपकरण का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया, लेकिन हमारे कुछ भाई बहन जो हैं वो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, देन वो अपना ईयरबड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आप लोग को यूज़ में आ रहा है वो, आप लोग को ज़रूरत है तभी आप लोग यूज़ कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, 11वां नंबर, उम्मीदवार को किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी माध्यम में संवाद नहीं करना है, ये तो कंपलसरी है। उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा के दौरान वेबकैम या माइक को बंद करने या ढकना नहीं है, ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा विंडो से अलग नहीं हट रहा है, पता चला कि एग्ज़ाम विंडोज़ को छोड़ के यूट्यूब खोलने वीडियो देखने लग गया, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्राउज़र, उम्मीदवार का चेहरा लैपटॉप कैमरा के व्यू के मध्य में होना चाहिए। दृश्य को बाधित करने के लिए कैमरा का एंगल बदलने पर ऑनलाइन वीक्षक परीक्षा बंद कर सकते हैं। देखो यार, वो आप लोगों को बताएंगे नहीं, उन लोगों का कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा आप लोग का जाएगा। तो आप लोग को कंपलसरी है कि आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे, अपना वेबकैम को सही से रखेंगे ताकि वीक्षक आप लोग का टेस्ट को रद्द ना करें, वो आपसे पूछेगा भी नहीं, आप लोग का सीधा कैंसिल कर देगा एग्ज़ाम, ठीक है। एक बात और है, उम्मीदवार को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी प्रकार की सहायता सामग्री मोबाइल देखने का प्रयास नहीं करना है, देखोगे दिन पकड़े जाओगे और तुरंत ही कट कर दिए जाओगे। पेपर पर फिनिश बटन दबाने से पहले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना है कि उसमें सभी प्रश्न हल किया गया है और प्रत्येक उत्तर सही होने पर दोबारा जाँच की जाएगी, ठीक है। एक बार जमा करने से पहले आप लोग को जाँच कर लेना, ठीक है। ओके, 6th नंबर, ये कहा गया है, प्रवेश परीक्षा के दिन परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए अभ्यर्थी को अपने मोबाइल, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर को लॉग आउट, स्विच ऑफ करने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने पर वीक्षक उम्मीदवार को परीक्षा देने से रोक सकता है। देखो, अभी इस बात में अंतर है और सुबह मैंने जो बात बताई थी उसमें अंतर है। सुबह की वीडियो देख लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो वेस्ट करोगे तो आप लोगों का बहुत कुछ छूट जाएगा। उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप गलती से लॉग आउट हो सकते हैं देन अपना वेरीफिकेशन करके आप दोबारा से लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार तो आई थिंक आप लोग को देना चाहिए मौका, देन वो देगा। अगर आप लॉगआउट हो सकते हैं देन आप लोग को वेरिफिकेशन करके दोबारा लॉगिन करने की अनुमति है, ठीक है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं करना। वॉशरूम जाने के लिए कंप्यूटर को लॉगआउट, स्विच ऑफ करने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने पर वीक्षक उम्मीदवार को परीक्षा देने से रोक सकता है। मुझे समझ में नहीं आता अब ये क्या बात हुई, पहले इन्होंने कहा कि वॉशरूम नहीं जा सकते, आप लोग टॉयलेट नहीं जा सकते, अब कहते हैं कि वॉशरूम अगर जा भी रहे हो तो लॉग आउट या स्विच ऑफ ना करो, तो क्या करे बंदा। ठीक है यार, आप लोगों को मैंने जैसा बताया कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले ही होके आ जाइए, ठीक है, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग अपना एग्ज़ाम प्रॉपरली दे सकते हो।
परीक्षा के टाइम पे कैलकुलेटर तो उपयोग कोई नहीं करता है ना। हाँ, करना भी मत, ठीक है। ऐसा करते हुए अगर पकड़े गए, बाई चांस अगर पकड़े गए तो आप लोग को रद्द कर दिया जाएगा। दिव्यांग उम्मीदवार की किसी प्रकार की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन आवेदन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके पूर्व आप लोग को आवेदन करने का मौका मिलेगा। प्रवेश परीक्षा पर रोक निरस्तीकरण। यदि उम्मीदवार अनुचित संदिग्ध व्यवहार में संलिप्त पाया जाता है तो विक्षक परीक्षा रद्द कर सकते हैं। अब आप लोग को पता है संदिग्ध व्यवहार क्या होता है, ठीक है ना। इलीगल आप लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है आप लोग को पता है, आप लोग बड़े हो चुके हो। ओके, नेक्स्ट कहा गया है, किसी प्रकार के कदाचरण की स्थिति में परिस्थितियों के अनुसार विक्षक तत्काल परीक्षा निरस्त कर सकते हैं। अब इस वर्ड का मतलब जिसको आता है ना मुझे बता देना यार कमेंट सेक्शन में, मुझे नहीं पता। कदाचरण का मतलब मेरे हिसाब से बुरा काम होता है, सो बुरा काम आप लोग को नहीं करना है परीक्षा के दौरान, ठीक है। ओके, परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अनुचित गतिविधि की स्थिति में प्रवेश परीक्षा का परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। मैंने जैसे कि बताया आपकी वीडियो रिकॉर्ड होगी, अगर वो आप लोग को पाया जाएगा कि आप लोग चीटिंग कर रहे हो, देन आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा, तब आप रोते मत बैठना कि आप लोग का रिजल्ट नहीं आया, सीधे आप लोग को निरस्त कर दिया जाएगा। और आप लोगों को आप लोग के रिजल्ट में यह हो सकता है बता दिया गया कि चीटिंग किया है इस बच्चे ने, तो ऐसा हो सकता है। सो आप लोग को ध्यान में रखना है, थोड़ा सा डरिए यार, क्योंकि अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं देन आप लोगों का एक अच्छा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छे से प्रॉपरली स्टडी करते हैं, अपने टेबल पे अपने चेयर पे जहाँ पे भी बैठना है आप लोग अच्छे से बैठना है, अपना लैपटॉप पीसी या मोबाइल सब देख रहे हैं तो अच्छे से उसको प्रॉपरली देना है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, ठीक है। यदि कोई उम्मीदवार प्रश्नों की ऑन स्क्रीन कॉपी करने स्क्रीन शॉट लेने का प्रयास करे तो ये नियमों का उल्लंघन है और इसे भी कदाचरण के अंतर्गत माना जाएगा, तो इसको आप लोगों को देखना है, आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। काउंसलिंग 11 अक्टूबर से होगा, ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना यार। जैसा कि मैंने बताया वैसे आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, तो वीडियो को शेयर कर देना यार अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल पे, अपने स्कूल ग्रुप पे जो भी आप लोगों को VET का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जिससे कि उनको भी पता चले कि कैसे एग्जामिनेशन देना है और कैसा अगर आप लोग कदाचरण करते हो तो आप लोग का एग्जामिनेशन जो है वो रद्द हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, वीडियो देख कर चले जाते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।